मदीने के आका को दिल दे चुका हूँ। नवीदे मसीहा को दिल दे चुका हूँ। मुझे खौफ महशर में हरगिज न होगा, मुझे खौफ महशर में हरगिज न होगा। दो आलम के दाता को दिल दे चुका जो है हजरत आमिना का दुलारा, जो है हजरत आमिना का दुलारा, जो है हजरत आमिना का दुलारा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जिसकी नजर जर्रे जर्रे विखाकी, है जिसकी नजर जर्रे जर्रे विखाकी, है जिसकी नजर जर्रे जर्रे विखाकी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी को दिल दे चुका हूँ। मदीने के आका को दिल दे चुका हूँ। नवीदे मसीहा समातों को छूती हुई हमारी आवाज़ ZU FM 98.2।
आपके दिल की आवाज सिर्फ ZUFM 98.2। सुबह की ताजा खबर, औसम मौसम और क्या कहते हैं आपके सितारे, ये सब और ढेर सारा फन सैयदा फरहाना अली के साथ एवरी मंडे टू फ्राइडे 9 to 11 AM ओनली ऑन ZUFM 98.2 पयामे जुस्तजू। ठीक ठाक है, खैरियत से हैं। This is morning vibes with me। आपका हमारा साथ रहेगा, लेकर पूरे पूरे 11 बजे तक करेंगे ढेर सारी बातें, साथ ही साथ होगा आपके सितारों का अहवाल। लेकिन उससे पहले सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या होता है, चाहे स्कूल जाए, कॉलेज जाए, यूनिवर्सिटी जाए या फिर जाए ऑफिस, इंपॉर्टेंट काम होता है अटेंडेंस मार करवाने का। सो हवाएं आना शुरू हो गई है भाई मेरे बाइक में। क्या है यार ये, यार क्या है यार ये सुबह सुबह। तो चाहे आप शहर से बाहर हो, सुबह से बाहर हो, मुल्क से बाहर हो, कोई मसले वाली बात नहीं, बहुत इजी आप हमारा शो सुन सकते हैं ऑन फेसबुक, ऑन माय ट्यूनर रेडियो ऐप। और अगर आप चले जाएंगे जियाउद्दीन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर तो वहां पर भी आपको हमारे रेडियो का लिंक मिल जाएगा। आपसे परेशान नहीं होना, तो क्या कहते हैं कि जब हम हैं तो फिर क्या गम है, यू नो। सर्च करेंगे @RJFarhana ऑफिशियल इंस्टाग्राम, सर्च करेंगे सैयदा फरहान अली ऑन यूट्यूब एंड ट्विटर, सैयदा फरहान अली कराची की गली। सो चाहे आप शहर से बाहर हो, सुबह से बाहर हो, मुल्क से बाहर हो, कोई मसले वाली बात ही हो, साथ में ना आप से बाहर नहीं होना, तो क्या कहते हैं कि हमारे शो में आने के लिए ना आप पे में आना पड़ता है। आप पे में आइए, हमारे शो में आइए, वेलकम करेंगे आपको। ठीक हो गया जी। तो बातें बहुत सारी हैं, आज के दो टॉपिक्स क्या हैं वो आपको जरूर बता देंगे। ऑफ कोर्स आई एम लेट टुडे और उसकी वजह ये कि मैं ट्रैफिक में फंस चुकी थी भाई, सीधी सी बात है। पर आज कह रहे हैं जिंद माइया भाई शुजादर प्लेज ट्रैक, कोई तो कोई तो अच्छा गाना बता दो हैं यार। ये मैंने गाना इतना प्ले किया ना, मैं बोर हो गई उस गाने से, अब मेरा दिल नहीं चाहता इस गाने को प्ले करने का। चंद मुखड़ाते बोल बर्फी अब मेरा दिल ही नहीं करता प्ले करने का, सीधी सी बात है। अब जब मेरा दिल नहीं करता ना, नहीं करूंगी प्ले भाई। सो मैं प्ले करूंगी कौन सा गाना, मैं प्ले करूंगी अपनी पसंद का गाना भाई, सीधी सी बात है। आज ना मेरा दिल चाह रहा है बहुत दिनों से, चाहे मैं वो गाना चाहे 100 बार प्ले कर चुकी, अब मैं क्योंकि प्ले करने जाऊंगी ना, बोले ये वाला भी 3 बार प्ले किया है, इससे बोर नहीं हुई बट मैं तो यही प्ले करूंगी, सीधी सी बात है। मुझे ना ये वाला गाना सुनना है अभी, और क्योंकि ये गाना जरा अपबीट है, आपके मूड को भी जरा ना और अपबीट कर देता है, तो हम चाहते हैं कि हमारा मूड और मजीद अपबीट हो जाए, डबल ट्रिपल, यू नो। सो वापस आएंगे, इसके बाद करेंगे आपसे मजीद बातें। आपने जब तक कहीं नहीं जाना, क्योंकि अगर आप कहीं भी जाएंगे ना, इतना पछताएंगे बस पछताते ही रह जाएंगे, और हम आपको बताएंगे नहीं फिर क्या पछता। ओके जी हाँ, जब तक हमने माइक को भी जरा यू नो इसकी भी जरा खिंचाई करें, क्या मसला है भाई है।
सुना है। सो वापस आएंगे इसके बाद। दिस इज आला बाली।
पास 9 ऑन द डायल राइट नाउ, और हमने ना माइक की तबीयत भी ठीक कर ली। हमने बोला ऐसे बेटा ऐसे। हाँ जी हाँ जी, चलें जी आज के दो टॉपिक्स आपको बता देते हैं। और दो टॉपिक्स क्या है, तो चलें जी हम ना अब हम अपने दोस्तों से भी सजेशंस मांग लेते हैं। कभी कभी कहते हैं कि कोई टॉपिक बता दो भाई, लेकिन दोस्त भी ना आपके दोस्त ही होते हैं, इंतहा के ऐसे कोई फजूल टॉपिक्स बताते हैं। सुन भी रही होगी भाई, ऐसे फजूल टॉपिक बताएंगे आपको, आप कहेंगे मैं नहीं माफ कर दो। तो चलें जी हम आपको एक टॉपिक बता देते हैं। इंसान की जिंदगी में ना बहुत सारी चीजें चेंज होती रहती हैं, तब्दील होती हैं, मौसम बदलता है जैसे, तो जिंदगी में हर वक्त हर लम्हा बदल रहा है राइट। तो लोग भी बदल जाते हैं, इंसान भी बदल जाते हैं, आपके दोस्त भी बदल जाते हैं, आपके करीबी रिश्ते भी बदल जाते हैं। सो कुछ एक जैसा रहता ही नहीं है। सो कायनात का उसूल है कि भाई हर चीज बदल रही है, तब्दील हो रही है, हर लम्हा जैसे गुजरता जाता है चीजों में तब्दीली आती जाती है। आप भी वैसे नहीं रहते राइट, 10 साल पहले जैसे आप थे 10 साल बाद वैसे तो नहीं रहेंगे ना। तो हर चीज तब्दील हो रही है, बदल रही है। सो बेसिकली आपने बताना है आपकी जिंदगी में क्या बदल गया, क्या बदल गया या कौन बदल गया। अक्सर आपके करीबी रिश्ते भी बदल जाते हैं, आपको बड़ी तकलीफ होती है कि कैसे बदल गए, नहीं बदलना चाहिए था, हमने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं, ऐसे कैसे बदल गए राइट। तो बड़ी तकलीफ देती है ना ये बातें। स्टार्स को शामिल नहीं करेंगे, खबरें शबरें नहीं बताएंगे आपको, कोई फायदा नहीं बताने का, क्योंकि इतना टाइम ज्यादा मुझे कोई तकरीबन कोई 1 घंटा मुझे ट्रैफिक में लग चुका है राइट। सो उसके लिए मैं बहुत माजरत खाऊं आप लोगों से कि मैं इतनी देर से पहुंची हूं, क्योंकि मैं बहुत जल्दी निकल गई थी घर से। ऐसा नहीं है कि मैं टाइम पर नहीं निकली हूं या मैं जो है वो जानबूझ के लेट आई हूं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे ट्रैफिक में लेट हो गया हूं, मैं ट्रैफिक में लेट हो गया हूं। यार ट्रैफिक में लिटरली मैं लेट हो गई हूं, और आपसे कहा जाए कि भाई एक हफ्ता अगर आपको एक हफ्ता ना हमने दे दिया फ्री, आपके पास कोई काम नहीं करने के लिए, तो आप क्या करेंगे उस एक हफ्ते में। बल्कि एक हफ्ता तो कुछ ज्यादा नहीं हो गया, 3 दिन देते हैं हमको, एक हफ्ता बहुत ज्यादा है भाई, हम आपको 3 दिन देते हैं, आपको 3 दिन जो है ना आपके पास कोई काम नहीं करने के लिए राइट। यू आर फ्री फ्रॉम ऑल ऑफ थिंग्स यू नो। सो आप उसको कैसे गुजारेंगे, कैसे आप उसको स्पेंड करेंगे राइट। सो हाँ जी चलो जी आपके कमेंट शामिल करते हैं हम, आप लोग ना बस जली कट्टी बातें करना शुरू हो जाए। वो दारू चाय वाला गाना लगा दूंगी। लोग कितने लोग चिढ़ते हैं पहले मुझे ये तो बताएं, जब ही तो मजा आएगा, असल तो मजा तब आएगा जब पता चले भाई कितने लोग हैं जो चाय वाले गाने से चिढ़ते हैं। हाँ जिन लोगों ने बताया उनका तो फेवरेट गाना राइट सही है भाई। ओके हम दोनों वाला खेल कहते हैं कैसे, सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया मुबशर अली, यानी कि आयशा कहती हैं कैसे सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आयशा, कैसी मुबशर की तबीयत कैसी जरा बताइएगा मुझे। और साथ साथ काशिफ अली मारी कहते हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, और आपकी दुआओं के लिए बहुत शुक्रिया, आमीन स्वामी जजाकल्ला। साथ साथ ओके लाडला फयाज अहमद चौहान, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया आपका भी। साथ ही साथ और कौन है हमारे, हाँ जी कहाँ चले गए कमेंट्स। एस के कबूल कहते हैं गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मीर तौफीक इस्लाम बुजदार कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप जी। वालेकुम अस्सलाम, आई एम वेरी वेल, हाउ अबाउट यू। और साथ साथ कहते हैं सलाम टू ऑल लिसनर्स, वालेकुम अस्सलाम कहते हैं आप भी। अभी हमने ना दो बार आपका शो नहीं सुना है, रुबीना समीना कह रही है, अरे रुबीना समीना क्यों नहीं सुना भाई मेरा शो, भाई क्यों ऐसा क्यों किया। वैसे एक बात है, जहां पर बहन रुबीना हो वहां पे बहन समीना क्यों होती है, शबीना क्यों नहीं होती। नहीं एक सवाल है, मैंने देखा अक्सर जहां पे बहन का नाम रुबीना है तो अगली बहन का नाम समीना होगा, ये क्या बात है भाई है, ऐसा ऐसे कैसे, मतलब ये कोई जोड़ीदार नाम है, नहीं ऐसे कैसे। चलो ऑलरेडी जोड़ीदार नाम भी शेयर करें, जैसे साजिद का साजिदा, मुबीन का मुबीना, यू नो शकील का शकीला,
जमील का जमीला बहुत सारे नाम है, जल्दी बताएं आप लोग ने नाम वाली जोड़ियां भी जरा बताएं अच्छी अच्छी सी। लेट्स सी के भाई कैसे ऐसे कितने सारे नाम है जो जोड़ीदार है। सो अमीर तौफीक कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, जहां जी पढ़ लेते बहुत शुक्र थैंक यू सो मच। आवेदन कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, बिल्ली के अभी आवाज निकाल लेने वाली और जे वालेकुम अस्सलाम। अरे वो तो अचानक था। कहते हैं कि जी मैडम एक बार ना फिर से हो जाए हमारी खुशी के लिए। नहीं हम ऐसे कैसे इतनी नोरी अब ओके साथ साथ हमीद मेमन साहब कहते हैं गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मीर तौफीक कहते हैं कि सुबह खैर, सुबह खैर। साथ साथ काशी वाली मलिक ने हमारे साथ एक वाक्य शेयर किया, चले पढ़ते क्या लिखा है। कहते हैं कि हजरत हसन बसरी रज़ियल्लाहु अन्हु ने बुलंद आवाज में फरमाया लोगो अल्लाह पाक के दरवाजे को खटखटाते रहो, दरवाजा जरूर खुलता है। और एक बुढ़िया ने सुना तो बोली कि हसन क्या अल्लाह पाक का दरवाजा बंद भी होता है। हसन बसरी रज़ियल्लाहु अन्हु ये बात सुनकर कश खाकर गिर पड़े, फरमाया कि अल्लाह पाक की बुढ़िया तुझे मुझसे ज्यादा जानती है, क्या बात है। हाँ जी ऐसी है। काशी वाली वाली कह रहे तो और जल्दी निकला करें। बहुत शुक्रिया भाई आपके एडवाइस का। हम अब सुबह 7 बजे निकल जाया करेंगे, क्या करें। सही है आप ठीक है इतना। नियाज लाशारी कहते हैं सलाम अभी, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। साथ साथ वीर टॉपिक कहते हैं टॉपिक और तो कुछ नहीं बदला, बस एक वो है बदल गई है जिसे बदलना नहीं चाहिए था ये दिल के टोटे लेके घूमने वाले ओके बड़ा कह रहे हाय ट्रैफिक में ना लेट हो गया हूँ, कोई बात नहीं होता ऐसे भी अरे मैं कहने वाली थी कि भाई शो लेट हो गया और मैंने कहा कि मैं लेट हो गया, इट्स ओके। रमजान मलिक साहब कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, आदाब तस्लीमात, मदर पर सैयदा फरहान अली साहिबा, वालेकुम अस्सलाम। कहते हैं सबकी हसीन बज में खुश आमदीद फरहान अली साहिबा। क्या लिखा है कि कल मैं आप सब के अप्रिसिएशन अवार्ड शील्ड भेज रहा हूँ, इंशाल्लाह जल्द पहुंच जाएंगी, ये हम सब के जज्बात होंगे, कबूल फरमाइएगा। और ये अवार्ड आप सब की खिदमत को सामने रखते हुए कुछ भी नहीं है लेकिन जज्बात हैं, कबूल फरमाइएगा। बहुत नवाजिश, बहुत शुक्रिया, जजाकला रमजान मलिक साहब आप लोगों की अप्रिसिएशन का। बस आप लोगों की जो अप्रिसिएशन है यही हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। पैसे भी दे दीजिएगा, खाली छुट्टी नहीं चाहिए मैंने 3 दिन एक हफ्ता नहीं दिया, मैंने सीधी सी बात है। और साथ ही साथ अंबर कहती हैं कि देख ले भाई दोस्त काम भी आ दे हाँ दोस्त काम आ दे, अगर उनका दिमाग वक्त पर चल जाएगा ना, फर्स्ट टॉपिक भी अच्छा था आपने ना इग्नोर कर दिया अच्छा जरूर था, मजेदार जरूर था लेकिन ना नहीं नहीं ऐसे टॉपिक नहीं रहते भाई अंबर, सीधी बात है बाद में रखेंगे, यानी तुम थोड़ा सा इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करो ना, थोड़ा सा चेंज करो फिर बताओ अब क्या हर चीज हम छान छान के देंगे क्या आगे हैं, ऐसे थोड़ी ना होता है ओके और गजम्बर खान मॉडल कहते हैं ऑल पाकिस्तान रेडियो लिसनर, गजम्बर खान मॉडल हमें सुनते हैं बस्ती मलुक सुखंदी मुल्तान से, बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच जी। साथ साथ अमीर तौफीक कहते हैं कि आई लव टी, बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया, हमने तो पूछा नहीं था आपसे आपको चाय पसंद है, कॉफी पसंद है या शरबत पसंद है, क्या पसंद है हमने तो पूछा ही नहीं, तो बताया क्यों। साथ साथ कहते हैं आई एम फाइन शाइन चैलेंज, बहुत शुक्रिया फराज कहते हैं। अच्छा आप ना किस जगह से आती हैं जहाँ ट्रैफिक होता है, मतलब हर रोज ट्रैफिक ऐसा थोड़ी ना होता है, आपके रास्ते में नहीं होता होगा, अगर आप मलीर से जाएंगे तो आपके ट्रैफिक नहीं होता होगा, मुझे नहीं पता मलीर कहाँ कहाँ से घूम घूम के जाता है। साथ मोहम्मद आदिल मलिक कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, हैव अ वंडरफुल डे इंजीनियर मलिक आदिल कदर से, बहुत शुक्रिया वालेकुम अस्सलाम थैंक यू। अंबर कहती हैं कि देख लो आपके इंतजार में ना पोएटिस हो गए आज दिल शायराना शायराना हो गया,
चलो अंबर चलो शायरी करो, अच्छी वाली करना, दुखी शायरी मत करना यार, सीधी सी बात। मीर तौफीक कहते हैं एक बलोची सॉन्ग सुनाओ आज। चलो मैं सुनाती हूँ आज वाला सॉन्ग, मैंने कल वैसे कहा था ना कि कल प्ले करेंगे कना यारी, तो आज हम प्ले कर देते हैं ठीक है। और क्योंकि मैंने कहा था इसलिए प्ले कर रही हूँ बस ज्यादा ना, इसलिए ये सोचने की जरूरत नहीं अगला गाना फरमाइश करेंगे तो मैं प्ले कर दूंगी, बिल्कुल भी प्ले नहीं करूंगी बिल्कुल भी प्ले नहीं करूंगी, सही बता रही हूँ, मजाक नहीं कर रही मैं, आप लोग मुझे जानते नहीं अभी। साथ बरात कहना, अच्छा मैंने ना एक टॉपिक सोचा है रखो जरा अभी और सोचने दो सबर बेटा तुम सोचो। बेटा अभी कहते हैं कि 6:15 निकला करो अभी, बस मार तुम लोग भोंगिया मारो बेटा, मुझे मुल्तान से नहीं आना बेटा, तुम्हारे शहर से नहीं आना मुझे, 6:15 निकला करो। काशीपति वाले कहते हैं जब भी निकलो ना हमें कुछ नहीं बस टाइम से आया करो अरे जी मंदिर मनाजिर महमूद कहते हैं कि अदल से फासला एक जंजीर हुआ करता था और राह तकता कोई जहांगीर हुआ करता था, गंदगी फेंकने वालों को बद्दुआ को दुआएं देता उन्हीं गलियों में कोई राहगीर हुआ करता था। क्या बात है, अब्दुल कहते हैं कि टॉपिक पर एक हफ्ते की छुट्टी सुने, फर्स्ट डे मैं ना हॉक्स पे जाऊंगा, दूसरे दिन ना दो दरिया जाऊंगा और तीसरे दिन ना कोरंगी जाऊंगा और उसके बाद बाकी छुट्टियां ना ससुराल में गुजारूंगा। हाँ बच्चे देख लें, सही है, जाहिर आप सब जगह जाएंगे, आप अकेले तो ना जाएंगे, आप अगर हॉक्स भी जाएंगे तो अकेले थोड़ी ना जाएंगे, आप अगर आप जाएंगे आप दो दरिया तो अकेले थोड़ी ना जाएंगे, सब जगह तो आपको जाना पड़ेगा अपनी बेगम के साथ, सीधी सी बात है। साथ मनाजिर महमूद कहते हैं कि वेरी नाइस प्रोग्राम, योर वॉइस सो स्वीट लवली मैम, अल्लाह ब्लेस यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच अली हसन बट कहते हैं कि सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग आरजे सगीदा फरहान अली, लेट मॉर्निंग, वेलकम टू द शो, फैसलाबाद से, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ताने मारने में आप लोग तो माहिर हैं, मैं ताने मारने भाई ने बता रही हूँ रोज आएंगे आप लोग। फरहाद कहते हैं अरे हाँ आपके भाई की शादी हो गई, आपने कहा नहीं मैं तो आपको बुलाना था, आपने तो बताया नहीं परी कल टॉपिक रखिएगा कि जिस तरह वरदान मोबाइल की वरदान है, क्या लिखा है कहने मोबाइल की चोरी होती है, अगर कोई चोर रंगे हाथों पकड़ के हत्थे चढ़ जाए तो क्या करेंगे देखें यार देखें ऑफ कोर्स पुलिस के हवाले करेंगे और क्या करेंगे, हमारा मसला ये है कि नहीं हम आगे नहीं बोलेंगे हमारे जो भी मसला है ना हम यहाँ पर नहीं बात कर सकते, हम ना जब लाइव सेशन में आएंगे ना, जब भी कभी मेरा मूड बना, कभी 5-6 महीने में, 4 महीने बाद, 3 महीने बाद, जब भी, मीर्दा भी कहते हैं कि और जो चाय पीते हैं उनको भी हैं, अच्छा भाई ठीक है। काशी वाली वाले कहते हैं हाँ जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अली हसन बट कहते हैं नाइस ट्राई नाइस प्ले बैक म्यूजिक वेरी नाइस फ्रॉम फैसलाबाद, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मी तो अभी कहते हैं कि वो तो ऑलरेडी पता है आप नहीं करती प्ले और क्या, साथ साथ मनाजिर महमूद कहते हैं कि आज की अच्छी बात, बात हमेशा तमीज और एतराज दलील से करो क्योंकि जबान तो हैवानों के मुंह में भी होती है मगर वो इल्म और सलीके से महरूम होते हैं, क्या बात है भाई, सच बात कही आपने। तो गाना यहाँ भी पूरा खत्म हो चुका है बैकग्राउंड पे प्ले करके और वो भी म्यूट करके है, चले जी गाना प्ले करते हैं, गाने के बाद वापस आते हैं, आपकी कॉल को शामिल करेंगे और कॉल हम लेंगे कौन से नंबर पे, ऑफ कोर्स 0321366000 इज द नंबर टू कॉल, चले भाई एंजॉय करें ट्रैक को, सारे मेरे बलोची भाइयों बहनों, इश्क की फकीरानी पीरो मुरीदानी, इश्क वली यानी खुदाए खलीलानी, इश्क पिड़ा के मर्चा कफरा बानी, हम लोमा गंजा कसी हस्ती डिजानी, इश्क नूर वा तरबा मिस्री चम्मानी, नबी इश्क चौके तो पता फिलानी, कना यारी गदारी जफाय दई रोज वजन दोस्त हमेशा निराश दई मनु तरह
दुश्मन बया संगत बस वादा बहारानी मर्दम वतारानी परजा मजानी रंदा मकन तो दिल भर मारा शिगानी का नजारी सदवारी ओली तामे प्यारे दा का नजारी सदवारी ओली तामे प्यारे दा क्या हाल है फायजा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन बेहतरीन। हाँ जी, शो सुन रही हैं? मेरी याद आ रही थी, ऐसी कॉल मिला ली है। यार तुम लोग फेसबुक इंस्टॉल नहीं कर सकते यार, माई ट्यून इंस्टॉल नहीं कर सकते? नहीं कितने मजे से कह दिया, नहीं रेडियो पे शो करो ना। नहीं, रेडियो पे शो आ जाएगा इंशाल्लाह, बहुत जल्दी काम चल रहा है थोड़ा सा, तो फिर वो जैसे ही काम मुकम्मल होगा तो फिर आप रेडियो पर भी सुन पाएंगे इंशाल्लाह। सारे क्लास के बच्चे अच्छे हैं, लेकिन जो लोग नहीं आ रहे ना उनको सजा मिलेगी जिन लोगों ने माइट इंस्टॉल नहीं किया। अच्छा जी, चलो और कुछ कहना चाहेंगी? हाँ जी, मुझे तो सजा नहीं मिलेगी ना। नहीं नहीं, आपको नहीं सजा मिलेगी, लेकिन जो लोग नहीं आ रहे उनको जरूर सजा मिलेगी, बहुत गुना मिलेगा उनको, बहुत गुना मिलेगा। कौन सलाम कह रही? सॉरी, वालेकुम अस्सलाम आंटी को मेरी तरफ से सलाम कहिएगा। चलो जबरदस्त हो गया, बस आंटी से कहिएगा बस दुआ में याद रखे। जरूर 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 जी, और कुछ? बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला। और कुछ कहना चाहेंगी? और कुछ नहीं, बस चले, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, फायज अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, अल्लाह हाफिज। आमीन आमीन आमीन, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।
बात एक ना भुलाए कोई दिल से कभी ना भुलाई कोई दिल से कभी सुन मेरी दुहाई कोई दिल से कभी दर्द ना दिया तूने वरना कहाँ मांगता है जुदाई कोई दिल से कभी सुन मेरी दुहाई ओके जी हाँ जी कमेंट्स को शामिल करते हैं कॉल्स भी शामिल करेंगे मैं कह रही हूँ सड़कों पे रात काट ली घर तो नहीं गए तेरे बगैर देख ले मर तो नहीं गए ये क्या के तेरे चेहरे की रंगत बदल गई खुशबाश हमको देख के डर तो नहीं गए ये चीज अंबर आखिरी वाली लाइन पसंद आई भाई देखो लोगों को ना अगर कोई जलता है ना आपसे कुछ जलस हो रहा है खुश क्यों है इतना खुश रहो इतना हंसो इतना एंजॉय करो ना लाइफ को अगला ना जल जल कर ही खत्म हो जाए क्या था भाई अगर जो जलता है ना उसको और जलाओ लो जलो जलो और जलो चले जी लेट्स सी कि कौन है हमारे साथ लाइन पर एंड अस्सलाम वालेकुम हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम क्या हाल है कैसी है राबिया ठीक हूँ आप कैसी हो मैं भी ठीक हूँ ठीक हूँ हाँ मैं ठीक हूँ हाँ तो भाई तुम लोग आए नहीं अभी तक वापस फेसबुक पर ये बताओ पहले तुम तो आज मैं सबकी क्लास लूंगी क्या सबकी क्लास लूंगी मैं आज जो लोग रेडियो पर सुनते नहीं है शो और ना फेसबुक पर नहीं सुन रहे अच्छा तो ले लेना हाँ क्लास लेती हूँ मैं अभी कैसे तुम ये बताओ तुमने इंस्टॉल क्यों नहीं किया अभी तक फेसबुक नहीं मैं मुझे नहीं मैंने देखा ओ माय गॉड यार लिटरली इतनी खतरनाक हूँ मैं नागरे चलिए देखते हैं कौन है हमारे साथ लाइन पर अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है ज़ैनब अंकल अल्लाह का शुक्र है आप कैसे हैं भाजी मैं बिल्कुल ठीक हूँ ज़ैनब आप की तबीयत ठीक है आप खुश हैं माशाल्लाह माशाल्लाह खुश रहिए और सलामत रहिए हमारी दुआएं आपके साथ हैं और मजे मजे के खाने पकाती रहिए जजाकल्ला 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 हाँ जब अल्लाह लेकर आ जाए तब आ जाएंगे अच्छा चलो सही है अच्छा सही है अंकल अंकल आ जाए अंकल कहाँ गए इतनी दूर से आवाज आ रही थी ज़ैनब की हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह क्यों नहीं माशाल्लाह मैं अभी बात करूं या दोबारा कॉल करूं अंकल आप बात करें ना क्या हो गया ज़ैनब ने मेरे हाथ से फोन ले लिया मैं क्या करूं कोई नहीं अंकल कोई नहीं आप बताइए अंकल कैसे हैं आप ठीक हैं खैरियत से हैं ये चिपकली की तरह चिपकली बन के आ जाती है सही अंकल ऐसे ही अच्छा है हाँ जी आपको पता नहीं मैं सारे घर में घूमने वाली हूँ हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल सही है ऐसे ही रहना है आपने बस आप मैं क्या करूँ मैं बात करूँ या नहीं करूँ हाँ नहीं अंकल आप बात करें तो ये चिपकली को समझाऊं ना मेंढक की तरह टपक टपक करती रहती है अंकल बताएं ना क्या बताएं कबाब में हड्डी कहीं की और बताइए अंकल मूड खराब कर दिया अरे ना कर अंकल क्या हो गया अंकल ऐसे नहीं करते भाई बाजी बोलो तो बाजी बात करते तो बहुत खुशी होती है और मैं यही तो कह रही हूँ ऐसा नहीं कहते अंकल अंकल बिल्कुल सही जवाब दिया है बस अंकल बस यही जो ज़ैनब बोल रही है बस यही ज़ैनब की तरफ से लेकिन मेरी बेटी से मेरी बात नहीं होती मेरा खून खोलता है इसका मैं क्या करूं अंकल एक गिलास ठंडा पानी पी ले अच्छा बात करूं या कल पे छोड़ो अरे अंकल बात करें ना बात करें अंकल बात करूं हाँ जी अभी चुप कर तू मुझे बात करने दे हाँ तो सुनो मेरा कलेजा हाँ जी अंकल पहले तो आप मुझे ये बताएं आपकी तबीयत कैसी है मेरा मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है अंकल अल्हम्दुलिल्लाह घर जाके अम्मी अब्बू को सलाम कहिए जरूर 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 सबसे पहले तमाम लिसनर्स को सलाम वालेकुम अस्सलाम और वो अभी कुछ कहना चाहता हूँ मैं हाँ जी कहिए अंकल
भाई आप तो मतलब कि कोई लिस्टनर जरा सा वो करता है तो आप फौरन बोलते तो डीपी सही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, आप है ना अंकल। मैं ये नहीं कहती कि डीपी सही नहीं है, मुझे किसी के डीपी से कोई मसला नहीं है, मैं तो कहती हूँ कि फेक आईडी तो फेक है। हाँ फेक है, हाँ तुम वो अंकल तो ऐसे ही बातें करेगा ना, क्या करे, अभी अंकल की उम्र जो हो गई है, एज हो गई है, अभी दिल दिमाग काम ही नहीं कर रहा। अंकल अभी तो ज्यादा काम करता है दिल दिमाग, आंखें काम नहीं कर रही थी इधर। हाँ तो ये जो अंकल है ना वो आपको बता रहे, आप ये बात ना साबिर भाई से और ये क्या नाम है मोहसिन भाई से जरा कहिएगा। अच्छा सही है अंकल, याद से सही याद से लो, ये लिसनर जो है ना ये कोई गलती नहीं निकलता मेरी बिटिया की, जी जी, ये अंकल के हवाले ये बिटिया की गलती निकालना, जी जी, पता नहीं आपकी गलती है या इन लोगों की गलती है साबिर भाई मोहसिन भाई की। नहीं नहीं अंकल किसी की गलती नहीं है, असल में काम देखिए टेक्निकल चीजें होती है ना तो फिर ऐसा होता है, गलती किसी की नहीं है, चीजों की बात नहीं है, मेरी आज लंबी कॉल है, बात आप मेरी सुनो, आप बीच में ना वो नहीं करो। अच्छा 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 नहीं अंकल भाई हमारे भाई हमारे सारे भाई मोहसिन भाई के खिलाफ तो ना बोले ना कुछ। देखिए ये आपका जो लोगो है ना, हाँ जी, इसके अंदर में आपने जो टाइम लिखा है ना 9 to 11 जी, ये सही नहीं है क्योंकि 9 तो समझ में आता है, हाँ। लेकिन 11 समझ में नहीं आता, बाद में एम नजर आता है। अच्छा अच्छा ठीक है ना, तो ये लोगों में जो ये किसी की गलती नहीं है अंकल, ये मेरी गलती है। ठीक है तो मैंने तो पहले ही बोल दिया कि आपकी गलती है या उनकी गलती है, मेरी गलती अंकल ये, तीनों में से किसी एक की गलती है तो इसको सुधारें आप, और ये आप इस तरीके से लिखेंगे कि लोगो इन टाइम जो है ना इसके ऊपर आप लिखें टाइम 9 to 11 AM। इतनी हंसी, आप बोले अंकल बोले, गलती पे इतनी हंसी अंकल, गलती पे हंसी नहीं है अंकल, आपकी मासूमियत पे हंसी आ रही है मुझे। नहीं तो मुझे नजर नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अरे अंकल आपको पता नहीं है 9 से 11 का टाइम है, चाहे नजर नहीं आया फिर क्या फर्क पड़ता है। नहीं तो आप बोलते रहे तो नया बंदा आएगा, नई बंदी आएगी, उसको कैसे पता चलेगा, डिस्क्रिप्शन में पता चलेगा अंकल। नहीं हाँ? नहीं गलत है जो मैंने कहा वैसे। अच्छा चलिए सही अंकल, अंकल ये पोस्टर छोटा जाता है ना कभी, इसलिए और कोई बात नहीं है। ठीक है मेरा कर लेगा जी जी जी। अच्छा किसी ने पूछा जी, आप सुनिएगा गौर से जी जी सुनाइए। अब लोगों को पता नहीं गलत लगेगा अच्छा लगेगा बुरा लगेगा, अरे अंकल हमें क्या इसे, हम तो अपनी खिचड़ी खाते हैं ना, हाँ चाहे उसमें हम चटनी मिलाएं चाहे उसमें हम घी मिलाएं। अच्छा बताइए अंकल, किसी ने पूछा ये मिर्ची किस मौसम में लगती है, हाँ। मैंने कहा इसका कोई मौसम नहीं, हाँ। जब सच बोलो लग जाती है, हाँ। सही है सही है। अच्छा दूसरा, मर्द मिर्च की तरह तेज और तीखा होता है, मगर मिर्च कितनी भी तेज क्यों ना हो औरत उसका अचार बना देती है। अच्छा सही है सही है सही है। नाराज ना हो तो नाराज ना होना कभी ये सोच कर कि काम मेरा और नाम किसी का हो रहा है। घी और रुई सदियों से चलते चले आ रहे हैं, और लोग कहते हैं दिया जलता है। सही जवाब दो तो, जवाब तो हर बात का दिया जा सकता है, हाँ। जवाब तो हर बात का दिया जा सकता है, हाँ। मगर जो रिश्तों की अहमियत न समझ पाए वो लफ्जों को क्या समझेंगे। क्या बात है, ऐसे ही है, ऐसे ही है ना, बिल्कुल। अब बस कर दूं थोड़ा कल के लिए, चले सही है अंकल सही है, क्योंकि फिर लोग भी बेचारे मासूम बेचारे क्या सॉरी वो भी खड़े हैं अंकल। नहीं सही है सही है, और वो फराज के पास तो पैसे हैं नहीं, हाँ। या चुप करना खुदा की बंदी चुप करना, पता नहीं कहाँ से टपक थी ये किचन से निकल निकल के ये तालाब का पानी कब सूखेगा ताकि मेहनत खत्म हो जाए। अंकल ऐसा ना करें अंकल ना करें। अरे मेहनत की तरह बात क्या आ जाती है पीछे से, बात नहीं करने देती, मेरा दिमाग पूरा उलझा देती है सुबह सुबह, पता नहीं आज इसने क्या नाश्ता किया था। सही अंकल सही,
हाँ जी तो वो फराज के पास एक तो पैसे होते नहीं है हाँ जी, के पास हाँ जी। और ऊपर से ना बोंगी मारता है, मैं कॉल करता हूँ मेरी कॉल मिलती नहीं है। हाँ, अंकल ये ऐसी बस बोंगी मारते, कॉल वॉल नहीं मिलाते ये लोग। वैसे बोंगी अच्छी मारता है। अंकल अंकल फिर आप ना सर पे चढ़ा लेंगे ऐसे, देखें क्या सर पे चढ़ जाएंगे ये लोग बोंगिया मार मार के फिर। अरे किसके सर पे चढ़ेंगे? ना मेरे थोड़ी ना चढ़ेंगे, मैं तो इतना मौका नहीं देती। अरे मैं इनको अपने गले से लगा के अपने सर पे लगा लूंगा। अच्छा सही है, बस सही है अंकल, बस अंकल आपने तो बात ही खत्म कर दी। बस सही है अंकल, बस बाकी बात है ना हम कल करेंगे। आपने बस आपने मूड खराब कर दिया हमारा। लेकिन आपका मूड सही करने के लिए मेरे पास इलाज है। अरे नहीं अंकल, लोगों के पास इलाज नहीं, अंकल के पास इलाज है मेरा कलेजा। अपना रफ्ता रफ्ता गाना चला। अच्छा सही है अंकल, अभी हम और डेडिकेट करें फराज, हमारे फराज भाई को, सबका भाई एक भाई फराज भाई, फराज भाई। अच्छा एक छोटी सी गुजारिश। हाँ जी अंकल, अरे आप हुकुम करें अंकल। मेरी 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 दूसरी बेटी जो है छोटी वाली, जी जी, वो पपीते के दरख्त से नीचे उतरी है? नहीं नहीं, पपीते खा के उतरी है सारे। नहीं इसको बोलो पपीते सारे खत्म हो जाएंगे भाई, खत्म करके उतर गई अंकल वो। बस पराना बेटी के लिए भी छोड़ो अंकल, वो छोड़े आप, बंदी खुद खा ले, हमारे लिए क्या छोड़े। खा सारे पपीते खत्म करके उतर गई वो नीचे। चले सबको सलाम, चले वालेकुम सलाम, सबको खुशियों में रखे, आमीन सुम आमीन, और परवरदिगार आपको हमेशा खुशियों में रखे, आमीन सुम आमीन, जज़ाकअल्लाह, खुशी रहो मेरा कलेजा, जज़ाकअल्लाह आमीन। अपना ख्याल रखिएगा अंकल, अल्लाह ताला आपको भी बहुत ज्यादा खुश रखे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। ओके जी, एक मस्जिद कॉल में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, खुश आमदेद आपको। वालेकुम अस्सलाम, आपको खुश आमदेद। कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से? रमजान मलिक साहब, अल्लाह के बड़े करम, अल्लाह के एहसान, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत करम है मालिक का जी। तबीयत कैसी है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन बेहतरीन। अंकल तो अच्छी खासी गप शप लगाते हैं माशाल्लाह। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। वालेकुम अस्सलाम। आपकी आवाज में डिस्टॉर्शन आ रही है रमजान मलिक साहब, सॉरी, आपकी आवाज मुझे सही से पहुंच नहीं पा रही। अभी आ रही है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मैं अर्ज कर रहा था, पहले तो मेरा राती प्रोग्राम था कराची आने का। जी जी। तो अब थोड़ी सी मसरूफियत यहाँ खिलाफ जान वालों की है, और रास्ते भी कुछ ठीक नहीं है ना पंजाब से जो आते हैं। तो फिर हमने फैसला किया कि इनको TCS करा दिया जाए। अरे तो आपने बस खाली बात इस पे नहीं, इसको छोड़ दीजिए। चार अवार्ड उनके वो तफसील लिखी है, वो आप कबूल फरमाइएगा। आपका है, बहुत शुक्रिया साहब का है, हमारा सदर साहबा का है, और अरशाद शहजाद साहब का। बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह। ये अब तक अच्छा, मैं सिर्फ एक सेकंड के लिए आपसे ये पूछना चाह रहा था कि ये जो एड्रेस आपका लिखा हुआ है इसमें स्क्रीन पे, ये किसी पे पहुंच जाएगा ना? जी 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 बिल्कुल, ये सेम एड्रेस है, बिल्कुल किसी मिस्टेक के बिना, बिल्कुल सही एड्रेस है। चलो चलो, ये इंशाल्लाह ताला मैं आज या कल रवाना करता हूँ, तो जुम्मे तक या जुमेरात तक इंशाल्लाह ताला मैं। जज़ाकअल्लाह, बहुत शुक्रिया। तो एक दफा ना, बहुत शुक्रिया, कोई बात नहीं। एक दफा ना फराना अली साहब ऐसा था कि पांचवी क्लास जब हमने पास की ना, तो उस्ताद खादिम हुसैन थे हमारे, जिनका मैं अक्सर तस्करा करता रहता हूँ, पहली से पांचवी जमात तक हमें वही पढ़ाते थे ना जी। तो उस्ताद खादिम हुसैन साहब के जो भाई थे फरूक साहब, वो उस वक्त मेंबर जिला काउंसिल थे, तो उन्होंने प्रोग्राम किया था पांचवी क्लास भी अब जानी है मिडिल है, तो इनको कुछ दावत वगैरह दी जाए ना जी। तो उस्ताद खादिम हुसैन साहब ने ऐलान किया भी कि सबसे अनोखा तोहफा मुझे देगा ना पूरे स्कूल में जो पास हुए हैं, तो भाई फिर हम भी उनको गिफ्ट देंगे। अच्छा ऐलान हो गया ना। हाँ। तो ये फरूख साहब तक भी पहुंच गया। तो अब अम्मी जान से मैंने मशवरा किया, अम्मी जान को अल्लाह की रहमत करे, उस वक्त हयात थी, तो अम्मी जान से मैंने मशवरा किया, अभी अम्मी जान ये बात है और तोहफा देना है, अनोखा देना है तोहफा ना। उस वक्त तो जंगल सर हमारे यहाँ बहुत जंगल हुआ करते, वो सांप बहुत ज्यादा थे हमारे यहाँ ना, और उस्ताद खादिम हुसैन साहब के दिन की सबसे ज्यादा डर लगता था, उन्होंने एक सांप भी डाला। अच्छा। तो हमने सांप ढूंढना शुरू कर दिया, एक सांप हमें मिल गया। तो
शाम को हमने मारा उसको, सोनलवे के डब्बे में पैक किया कि हमें जान ने बताया था ऐसा से करना। अच्छा। तो उसको पैक करवा के तो उसको ऊपर से खूबसूरत जैसे वो कागज वगैरह लगाए जाते हैं वो करवा के, तो सुबह जनाब खादिम हुसैन भी और फरूक अहमद साहब भी उनके भाई वो स्टेज पे मौजूद थे, तो हर बंदा गिफ्ट दे रहा है, खादिम हुसैन सब कबूल कर रहे हैं और साथ उसको देख भी रहे हैं भी क्या है ना जी जी। कोई मुर्गी ला रहा है कुछ, कोई अंडे ला रहे कुछ, हम भी डब्बा लेकर पहुंच गया। तो मुझे कहते रमजान आप सोनल वाला है मेरे लिए जी, चेक करवाया आप देख लीजिए क्या है तो कागज ऊपर से खोले जैसे वो ऊपर ढक्कन खोलते हैं ना जी, देखते हैं तो उन्होंने समझे कि दिखता है ना ये जी जी बीमरा वाले, उन्होंने मेरे ऊपर ऐसे वो डब फेंके, ये कौन सी बात सुनी दिया फला फला खड़े हो गए स्टेज पे ना तो उस्ताद उस्ताद फरूक साहब ने फरूक साहब ने अपने खादिम हुसैन साहब को दिखाया और फरमाया कि आपने कोई शर्त तो नहीं लगाई थी ना आपने फरमाया था कि अनोखा तोहफा होना चाहिए हाँ। तो जितने आपके पास तोहफे हैं ये सबसे अनोखा तोहफा है तो आज ये खुसूसी गिफ्ट के आखिर रमजान साहब बनते हैं क्या बात है वाह भाई तो आप भी डब्बे को सुकून से खोलिएगा, ये नहीं समझिएगा कि सांप वगैरह नहीं 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 हम सांप वाम से कुछ नहीं डरते, हम ऐसे ऐसे सांप नाग नागिन देखे अब हम असली सांप बेचारा वो क्या बिगाड़ लेगा बात नहीं है, अल्लाह ताला आपको लंबी जिंदगी अता करे आमीन। भट्टी साहब को, सजाद मलिक साहब को, मिसेज फरूक साहबा अगर सुन रही है तो वो लाजमी कालते हैं, आबिद मीर साहब हैं, शेख भाई हैं, राणा इमरान राजपूत साहब हैं जी जी, और हमारी बहने ऐशा हैं जी, बाकी जितनी भी हमारी अंबर इस्लाम साहब हैं जी जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला को खुश रखे, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। वाह वाह क्या बात है, बहुत सारे कमेंट्स हैं रिजवान जी, बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। आकाश वली मल कहते हैं कि बोलते हैं गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो हाँ जी, फराज कह रहे हैं कि जैनब बहन इतनी जल्दी में क्यों रहती है हाँ वो इसलिए कि भाई ट्रेन ना छूट जाए, सीधी सी बात है ट्रेन छूट गई तो फिर। अमर कह रही है कि गुस्सा नॉट अंकल, चिल करे चिल, अरे अंकल चिले तो कर रहे आपको अब्दुल वाजिद वालेकुम अस्सलाम, आई एम वेरी वेल, हाउ आर यू? फराज कह रहे अंकल ये कौन सी मिर्चे हैं, लाल वाली या हरी वाली? काजवेली वाले कहते देखिए आप ना खुद सही करें, हम कुछ बोलेंगे तो आपको ना बुरा लगेगा, नहीं तो आप क्यों बोलेंगे कुछ, नहीं आप बोलेंगे क्यों कुछ, पहली बात तो ये। काजवेली वाले कहते कभी कभी तो समझ आता है, रोज नहीं, क्या चीज। मदर अब्बास भी कहते हैं राम लैया पंजाब से सुनते हैं, बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम। फराज कहते हैं नो जी मेरे, मैं ना सर पे चढ़ने वाला नहीं हूँ देखो तुमने किसी गंजे के सर पे चढ़ जा रहे हो ओके सो साथ साथ अच्छा जी, अरे मेरी आवाज इतनी कम क्यों हो गई अचानक से, ये क्या होता है यार, हाँ अब सही हो गई है हाँ जी। और हाँ जी, एना कॉलेज कहते हैं मुझे अगर दिन दिए जाए तो ना मैं पेंटिंग बनाऊंगा, और मुझे पेंटिंग बनाने का बहुत शौक है। चलें जी, जबरदस्त हो गया पेंटिंग करने की बात है
और अगर पेंटिंग नहीं आती है तो हाँ जी अब सही हो गई आवाज, अचानक से कभी तेज हो जाती है आवाज, कभी ज्यादा हो जाती है. व्हाट इज गोइंग ऑन हियर? हाँ जी फराज कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, जो भी कहते हैं व्हाटएवर. हाँ जी आबिद अमीर कहते हैं कि हाय ज़ैनब, ताज़ा ताज़ा आवाज़ सुनकर ना अच्छा लगा, फरी अंकल की कॉल आए ना आप न्यूज़ वाला भीजिएम लगा दिया करें, खूब जमेगा. ओके फराज खान कहते हैं आपकी आवाज़ माशाल्लाह. चलें जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू. और साथ साथ फराज कहते हैं कभी आप ना अम्मी लगते हैं, कभी बरहाना लगते हैं, और कभी ना बिजली. हाँ सही है ना, देखें ऑल इन वन, यू नो ऑल इन वन. ना करे बेवफाई कोई दिल से कभी, ना करे बेवफाई कोई दिल से कभी, सुन मेरी दुहाई कोई दिल से कभी, दर्द इतना दिया तूने वरना कहाँ मांगता है जुदाई. So, अच्छा जी हाँ जी, अभी मुझे आवाज़ कभी कम आती कभी दे जाती यार, ये क्या सीन है यार, आई एम नॉट लाइकिंग इट. सो हाँ जी फराज, हाँ जी पढ़ लिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच. तो सलीम सरवर सलीम सरवर साहब कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बाजी आप सबको बता दें कि ब्राइडल सूट के लिए ना हैं किससे रब्ता करें? क्यों भाई, एवे में हैं, एवे में, हाँ एवे में पब्लिसिटी बेला वजह में, भाई आप खुद ही जाके अपनी पब्लिसिटी करें, हम ऑन एयर थोड़ी ना करेंगे पब्लिसिटी. एनक वाला दिन कहते हैं भाई नेक्स्ट शो पे जो भाई आप लोग जो लोग कॉमेंट्स पढ़ रहे हैं, भाई अगर किसी को ब्राइडल सूट चाहिए तो इनसे कॉन्टैक्ट कर ले, लेकिन हम नाम नहीं लेंगे इनका, सीधी सी बात. पहाड़ों पर चली जाऊंगी ये ना कह करके तीन दिन में आऊंगी लेकिन वापस नहीं आऊंगी, पहाड़ों में जाके खो जाऊंगी अंबर. सलीम सर पर कह बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू सो मच जी. यहाँ पे पब्लिसिटी करेंगे तो मैं ब्लॉक कर देती हूँ, सीधी सी बात है. मतलब यार ऐसा थोड़ी ना होता है. एना कॉलेज कहते हैं सॉरी अभी जी, मैं ना इस वक्त ना ड्यूटी पर हूँ, कल ना आपको कॉल करूंगा इंशाल्लाह. बस कर दो बेटा, कल कॉल करूंगा, कल तुम्हारी छुट्टी है फिर. इतने ड्रामे अल्लाह माफ करे. आप तो मेरे कहते हैं वाह भाई वाह, ये क्या बात हुई कि कोई जलता है तो उसको और जला खुश रहकर, वाह भाई वाह, मुसलमान को तकलीफ नहीं देना चाहिए. अच्छा मुसलमान अपने भाई की कामयाबी से जल रहे, ये कैसे मुसलमान है भाई? बात है ना भाई, अगर ये जो है वो कामयाब हो रहा है तो क्यों कामयाब हो रहा है, ये कैसे मुसलमान है कि अपने भाई की कामयाबी से जल रहे हैं भाई, हसद कर रहे हैं, खुश नहीं हो रहे. साथ साथ आदमी कहते हैं कि हाँ ये कैसा सॉन्ग है, प्यार है प्यार से डर लगता है, और ना टेंशन ना लो भाई, बोल दो और लाइफ आसान करो. लोगों में जरूरत है, हिम्मत नहीं होती भाई आजकल, सीधी सी बात है. साथ साथ काशी वाली मलिक कहते हैं पहाड़ पर चढ़ने वाले बंदे को ना आप किसी के सर पे चढ़ा रही हैं. रिदान जी कह रहे हैं क्या कहते हैं भाई, कहते हैं कि आई लाइक गार्डनिंग. अच्छा चलें जी बहुत शुक्रिया. साथ साथ काशी वाली मलिक कह रहे हैं अरे आवाज़ तो सही आ रही है, मुझे अपने कानों में आवाज़ सही नहीं आ रही थी. अमर कह रही हैं कि क्या कह रही, कह रही हाँ ना कहाँ चला गया, कह रही ड्रेस यार ब्राइडल ड्रेस ना मुझसे ले लो, किसी काम का नहीं है. और मौसम चाहिए बहुत शुक्र, थैंक यू सो मच. रिजवान जी कहते हैं प्लीज प्ले तो मैं दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, अच्छा ही बस कर दो. फराज कह रहे हैं सलीम भाई मेरे पास ना पुराने शूज है, उसका भी कुछ करें सेल करवा दें जल्द से जल्द. हमारे यानी हाँ ना ड्रीम है मेरा, मैं ना नेचर में खो जाऊँ, अजीब सा है लेकिन ड्रीम है, नेचर में खो जाऊँ. आवे कह रहे बच्चों बात करना, सारा क्या नेट का सारा पैकेज खत्म हो गया, अब क्या करूं, रेडियो ऑन करें वरना ना हमें एक हफ्ते की छुट्टी दे दें प्लीज, हमारी ना दरख्वास्त कबूल फरमाएं. हम आपकी दरख्वास्त कबूल नहीं कर रहे, हम आपको ऑर्डर देते हैं कि आपने कल नया पैकेज करवाना है. अमर कह रही अरे नहीं मैंने ना ड्रेस दे दिया, आई एम सॉरी, मांगा नहीं, मांगना नहीं कोई. अमर तो मैं अपने शादी का ड्रेस दे के भी बढ़ गई किसी को, वाह 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 वाह. कॉल्स आ रही है और मैं कॉल्स रिसीव नहीं कर रही हूँ, मेरे काम चेक करें. चलें जी कॉल रिसीव करते हैं, लेट्स सी कि कौन हमारे से लाइन पर. एंड अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. क्या हाल है आमना, कैसी हो लड़की? मैं
ठीक हूँ, आप सुनाया? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बहुत प्यारी, बहुत क्यूट सी, बेहतरीन प्यारी सी। माशाल्लाह माशाल्लाह, सलाम दिए आपको। दस बजे नंबर ऑन था। बिल्कुल ना, कोई भी जाके आपने बिजी कर दिया नंबर ही बंद। हाँ जी, मैंने बंद कर दिया नंबर। मैंने कहा कौन है ये सुबह सुबह कॉल कर रहा है? सुबह सुबह के नहीं होती हूँ, आपको बेटेम याद करती हूँ। अच्छा, बेटेम याद करती हूँ। बेटेम, ये बेटेम क्या होता है? बेटेम मतलब हर वक्त। अच्छा, हर वक्त, सही है बेट। अच्छा सही है, और बताइए। अच्छा, और बताइए। वालेकुम अस्सलाम। हाँ चलो डायलॉग मारो आज ना, अच्छे अच्छे डायलॉग मारो। अच्छा, लड़की ने ऐसे रटे में, या तो ये पर्चे खोल रही है, आवाज आ रही है? अरे पर्चे नहीं खोल रही आखिरी। अच्छा, पर्चे नहीं खोल रही, अल्लाह का शुक्र है भाई। भाई सही रटे में भाई, लड़की ने रटे में नहीं, वो एक दफा ना मैंने भेज दिया। अच्छा, काम की बात नहीं, बैठी तो दूसरा से भेजे थे। अच्छा अच्छा, वाह वाह वाह। अच्छा, मस्जिद तो का किया था उनको बुलाने के साथ ही, नमाजें जब काबिले कबूल हुई उनको मांग बैठे। वाह वाह, पता नहीं कौन याद कर रहा था, मुझे नहीं पता, मैंने नहीं पढ़ा वो कमेंट। पता नहीं, मुझे नहीं पता किसने याद किया था, कौन था भाई, सामने आओ। अच्छा, पता नहीं क्या है। आपने बताना है कि क्या था टॉपिक, मैं खुद भूल गई। आपको ना 3 दिन के लिए अगर टाइम दिया जाए कि आप ना फ्री, आपको कुछ काम नहीं करना, बस आपके पास फ्री टाइम है और आपने एंजॉय करना है, क्या करेंगे आप? मैं तमाम शो सुनूंगी। मेरे तमाम शो सुनेंगी? बिल्कुल। अरे वाह, अभी काफी जमा हो गए ना मेरे। अच्छा वाह भाई, क्या बात है। अब सारे आराम से सुनूंगी मजे से। सेकंड क्या था भाई, बताओ। इन लोगों से पूछ रहे हैं, सेकंड बताओ टॉपिक क्या था। सेकंड सेकंड क्यों, सेकंड में बता रही हूँ। देखें, अगर देखें कौन है जो बदल गया है, क्या है जो बदल गया आपकी लाइफ में? तो किस्मत बदल गई है आपकी। किस्मत बदल गई है, वाह क्या बात है। आप लोग दुआ से बदली। अरे क्या बात है भाई, किस्मत देखिए, बदलने वाली जात तो अल्लाह ताला की है। हाँ जी बिल्कुल, दुआएं किस्मत आपकी बदल देती हैं। आप जो मांगे दुआ में आपको मिलता है, बस आप यकीन रखें कि अल्लाह ताला देगा। बस बस, बहुत खुश हूँ। कल के लिए सॉरी। क्या थी कल, क्या मैंने? अरे कहा था ना आपको, आपने मुझे आप ही के दिया ना। अरे नहीं, तो क्या हो गया? अरे नहीं, माजरत करने की, मैं तो ऐसे मजाक में कह रही थी। हाँ जी, आपके हंसी के चक्कर में ना मेरी जबान चल जाती है क्या? अरे नहीं कोई नहीं, खैर में अंडी आपके प्यार में। प्यार में अंडी, प्यार में अंडी। ओके, बात तो सुने, वैसे मैं आपकी फैन नहीं। हाँ फैन नहीं, आप मेरी दीवानी हूँ। अच्छा, मेरी दीवानी है आप, फरहाना की दीवानी, आमना दीवानी। हाँ ये अच्छा है, सही है, ठीक है। वैसे मैं लड़के को ना रिपोर्ट करना चाह रही थी 5 दिन आगे। अच्छा, कॉल ही नहीं करती है। अच्छा हाँ, देखो जरा, ये लड़कियाँ कॉल ही नहीं करती, इनकी कॉल ही नहीं लगती, कहती हैं कॉल नहीं लगती है। चलो सही हो गया, जरूर जरूर, बहुत सही दुआएं आपके लिए। अपनी अम्मी को मेरा सलाम कहिएगा, ठीक है? अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिए। अल्लाह हाफिज। ओके जे, हाँ जी, किसी और ने मुझे कोई गाना बताया था, अंबर मैडम ने बताया था कोई गाना। हाँ, वो कौन सा गाना था अंबर, चिल्लाओ। चलें जी, लेट्स सी कि कौन है। एक मजीद कॉलर, एंड अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है मुबशर? पता नहीं मुझे क्यों पता कि कॉल क्यों नहीं लग रही थी। अब तो कॉल लगी ना, आप कैसे हो ये तो बताओ, आपकी तबीयत कैसी है? ठीक हो गए आप? मैं क्या हुआ, सॉरी, दाने निकले हुए हैं। ओ चलो, आपसे क्यों जाओगे बहुत जल्दी, सही है? आप दवा ले रहे हो ना, डॉक्टर के पास जा रहे हो ना? ट्यूब ले ली। ट्यूब ले ली, अच्छा चलो सही है, अब उसको लगा लेना, ठीक है? अब मैं ठीक हो ही जा रहा हूँ। हाँ आप ठीक हो जाओगे, बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे आप। जल्दी नहीं ठीक हो रहा मैं,
कल सुबह ठीक हो जाऊँ। हाँ कल सुबह ठीक हो जाओगे, चलो इंशाल्लाह आप कल सुबह ठीक हो जाओगे। मैं तो ठीक हूँ। आप ठीक हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। खिलौना बना रहा हूँ ना। हाँ जी, खिलौना बना रहा हूँ। खिलौना बना रहे? कौन सा खिलौना बना रहे? जो नीचे गाड़ियाँ जाती हैं, नीचे गाड़ियाँ जाती हैं वो वाला खिलौना बना रहे? पुल बना रहे? हाँ। अरे वाह भाई, क्या बात है भाई, हमारा भाई लड़का इंजीनियर बनेगा। हाँ। है ना? बैठ लूंगा। हैं, चलो सही हो गया। मैं घर बैठ के अपना प्लॉट ले लूंगा। अच्छा, अपना प्लॉट ले लोगे? और लड़का बिल्डर बनेगा भाई, इंजीनियर नहीं बनेगा। अरे वाह भाई, क्या बात है, वाह 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 वाह। अपनी बात नहीं कर, अपनी बात नहीं कर। यार ये बच्चे कितने क्यूट होते हैं। वो जो है ना, वो अपनी बात बताते, लेकिन ऐसे कहती है चलो तुम वाली नाच सुनाओ, वाली नाच सुनाओ। चले अपनी मम्मा से बात करवाए, चले मम्मा से बात करवाए। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आयशा, कैसी हैं आप? अल्लाह पाक का करम है, आप सुनाए, आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बात करने दिया करें, जो बात करता है वो अपनी बात। हाँ नहीं नहीं कोई नहीं, अपनी बात करने दिया करें, बच्चे तो ऐसे ही होते हैं। अपने अबू को याद कर रहा था ना, फिर वो ऐसे बात कर रहा है। सही है, और वो जाहिर अपने अबू को तो वो याद करेगा ही। सही बात है, कहता है जिस गाड़ी ने मेरे अब्बू को मारा मैं उनको मारूंगा। अच्छा, ये कह रहा था वो। हाँ चलो जी, और बताइए, और बताइए क्या चल रहा है, क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा, घर पे होते हैं। घर पे ही होते हैं, सही है, जबरदस्त हो गया। आप ठीक है मुबशर? बस मुबशर के दाने निकले हुए थे, अभी तो कुछ फर्क है। अच्छा चले जी, अल्लाह ताला सेहतियाबी अता फरमाए, हमारी दुआ है मुबशर के लिए। अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे हमारे लिए। सुमामी जजाकल्ला। और कुछ कहना चाहेंगी? चले जाइए, फिर इंशाल्लाह बात होगी। कॉल ड्रॉप हो गई पहले। के कौन है हमारे लाइन पर? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रुसा आप बताइए, आप कैसी हैं? आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ जी, और ये क्या आज मैंने ऐसी तुक्के पे कॉल लगा ली और लग गई। लग गई फौरन, पहली कॉल लगी है, पहली बार में ही जी। वो क्योंकि नोटिफिकेशन तो मुझे मिला था ना शो का, लेकिन मैं शो नहीं सुन रही, मेरे को बाद में सुन रही थी सुकून से, कुछ काम है। तो मैंने कहा चलो ऐसे क्या बात है भाई, जबरदस्त हो गया। अभी कॉल ड्रॉप हुई आपकी, फौरन कॉल मिल गई। अच्छा, नहीं नहीं कॉल वैसे, हाँ वो कॉल ड्रॉप हुई। चलें जी, और बताइए उरुसा क्या हो रहा है भाई? और बस क्या काम, मेहमान यही हो रहा है, और क्या हो रहा है। तो क्या बदल गया? क्या बदल गया? बहुत कुछ बदल गया, सुकून चला गया, खत्म हो गया, सुकून चला गया। अच्छा, बेसुकूनी आ गई। और क्या, पहले तो एक आपका शो भी बंद, कैसे पहले सुन लेते थे ना रेडियो पर, अब तो वो भी नहीं सुन पाते सुकून से। सही, नहीं कोई बात नहीं, वो कुछ दिनों में इंशाल्लाह बहुत जल्दी आ जाएगा, बस काम चल रहा है। अब कुछ होता है कि चीजें अटक जाती हैं बीच में, बस अब जैसे मुकम्मल होगा तो फिर वो जल्दी बन जाए। बस इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बस आप दुआएं करते रहें कि जल्दी से बस ये मुकम्मल हो जाए काम। हाँ
सही हो गया। और बताइए और क्या कहेंगी उरुसा? अच्छा मैं तो मैंने वो शो तो नहीं सुन रही, टॉपिक का मुझे नहीं पता। हाँ टॉपिक एक पूछ लिया ना मैंने आपसे कि क्या बदल गया, और चलिए अगर आपसे हम कहें हाँ जी टॉपिक ही था। अच्छा तो कल क्या हुआ मेरे जाने के बाद? वो स्ट्रीमिंग पे नहीं गई है? नहीं 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 नहीं, नहीं उस सॉन्ग पे नहीं गई। क्योंकि वो सॉन्ग आपने पहले भी दो तीन दफा प्ले किया, उससे नहीं गई है वो स्ट्रीमिंग। आपको शो बच जाता है बच जाता है हाँ चस्का में बज जाता है, लेकिन ना हमने कोई और गाना प्ले किया ना उसमें चला गया। अंबर ने कोई गाना बताया था मुझे, आदि वसंत का गाना प्ले किया था, हाँ उसमें गई थी स्ट्रीमिंग। और जहाँ तक मुझे याद है मैंने कोई दो या तीन सॉन्ग आपको ऐसे बताया जिन पर आपकी स्ट्रीमिंग गई हो, लेकिन वैसे मेरे किसी भी सॉन्ग पर नहीं जाता। हाँ, नहीं जाती है, कॉपीराइट फ्री सॉन्ग लाती हूँ। हाँ ये अच्छी बात है भाई, इसलिए तो मैं कहती हूँ कि भाई बताओ उरुसा गाना बताओ। और चले सही है, फिर बात होगी इंशाल्लाह। सही है, जो सुनिएगा आप फिर रेडियो पे बहुत जल्दी आ रहा है, फिर आप शो सुनिएगा, फिर बात होगी इंशाल्लाह। थोड़ी बहुत खुशी मिल रही है, चलें जबरदस्त हो गया, खुश रहिए हमेशा, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। टेंशन में तो टेंशन में बंदा किसी ऐसे बंदे से बात कर जिसको खुशी मिले तो वो आप है मेरी लाइफ में। अरे जजाकल्ला, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया, चलें खुश रहिए। आपका बहुत शुक्रिया, आपको क्या शुक्र है आप मिल गई, अल्लाह ताला ने भेजा मुझे, जाओ अल्लाह ने भेजा, देखे अल्लाह ताला ने आपको भेजा है लोगों को खुश रखने के लिए। हाँ बस अब अल्लाह करे कि बस सब खुश रहें, मेरी वजह से किसी को तकलीफ ना पहुंचे। बिल्कुल सही, चलें खुश रहिए, इंशाल्लाह बात होगी। हाँ जी खत्म होने वाला है, हाँ जी बस कुछ टाइम है, बस अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, अल्लाह हाफिज। ओके जी, क्या बात है। हाँ जी कौन सा गाना बता रही थी अंबर? अंबर ने बताया चाहत, ये कौन सा गाना है? चाहत नदियाँ, चाहत अंबर, चाहत सागर, तो नहीं कौन सा गाना अंबर ये चाहत अंबर। अरे जी आप मेरे कह रहे हैं टॉपिक थ्री पर दिन की ऑफ है, तीन दिन की ऑफ। अच्छा कहते सोच लिया मैंने, मैं तो ना सारे रिश्तेदारों के यहाँ मेहमान बनकर ना उन्हें खिदमत का मौका दूंगा। हाँ बल्दिया औरंगी कोरंगी नाजमाबाद लानी बहादराबाद न्यू कराची नॉर्थ कराची नागन चौरंगी खारा दर लियारी सब रिश्तेदारों के घर जाऊंगा, जाना कभी ये बताए। आपकी ना छुट्टी है फ्राइडे से संडे, सही है हमारी तरफ से। फराज कह रहे हैं वो बशीर भाई कोकोमो खानी है। अमर कह रही है चलो बच्चे ने ना तो सोचा पुल बनाने का। जो बात है मैंने कहा ना देखो अभी बच्चा प्लॉट भी खरीदेगा, भाई बच्चा इंजीनियर बनेगा बिल्डर बनेगा। वैसे एक बात है जो बिल्डर्स होते हैं ये इंटरेस्ट कितना लेते होंगे, होता है ना जो इंटरेस्ट आता है तो फिर क्या वो जो बाकी कमाई वो हलाल रह जाती है, नहीं रहती होगी वरना कहाँ मांगता है जुदाई। अच्छा जी रिजवान जी कहते हैं प्लीज प्ले शाही मर्दा। एक तो मैं रिजवान जी मैं हाथ जोड़ लूँ क्या करूँ, मतलब आपको पता है कि गाने प्ले करी फिर हर बार एक ही आप आके मुझसे कहते हैं कि प्ले कर दें प्ले कर दें, बता रही हूँ मैं मेरा मीटर घूम गया। अच्छा जी खुदा मतलब कह रहे हैं कि बशीर की सेहत के लिए बहुत सारी दुआएं चलें, बहुत शुक्रिया। और साथ साथ अली हसन बढ़ कहते हैं अल्लाह हाफिज, अर्जी सईद फ्रॉम फ्रॉम फैसलाबाद अल्लाह हाफिज। नहीं क्या कि 15 मिनट पहले कोई हाफिज कह देते हैं, आपको कोई उधार देना क्या? काशी वाली मल कहते हैं शो नहीं सुन रही, कॉल काट दें कॉल काट दें। फरहान कह रहे हैं अच्छा जी कहते हैं मतलब कह रहे हैं उर्सा साहबा के लिए बहुत सारी दुआएं चलें, जजाकल्ला बहुत शुक्रिया। और रिजवानिस भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। मुबशर कहते हैं कि शो रिसीव्ड जब संडे है गाना पहाड़ों की कसम, मुबशर गाना सुन के खुश होता है। चलें हम पहाड़ों की कसम लगा देंगे, अगर मुबशर खुश है तो हम अभी लगा देते हैं पहाड़ों की कसम। ऐसी भी क्या बात, वो पहाड़ों की कसम में वो क्या पहली लाइन क्या है? हाँ जी कोई कानून ना इश्क का कायदा। सो हाँ जी ये वाला गाना है शान खान ने गाया गाना, वो भी उर्दू। और हाँ जी गाना प्ले करते हैं और साथ साथ कॉल को भी शामिल करूंगी, एक कॉल को मैं मजीद शामिल करूंगी, एक या दो कॉल में भी। लेट्स सी, अरे ये वाला गाना बंद करना पड़ेगा तभी तो ये वाला गाना चलेगा। ओके चलें जी हाँ जी।
कब से तन्हाई लगी बैठी है, तन्हाई लगी बैठी है वो भी दीवार से। क्या करें हम ऐसे ही हैं। हम तुम्हारी राह देखेंगे सनम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। ओके लेट्स सी कि कौन है हमारे से लाइन पर। एंड अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है महरीन, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अभी ये कॉल भी ना कटने वाली थी, मैंने बेल रिसीव कर ली, मैंने कहा देखो हम तुम्हें कटने नहीं देंगे कॉल। मैंने कहा आखिरी कॉल वो गाना प्ले करने में लग रही थी ना, मैंने कहा चलो गाना सुनाते थोड़ा सा मुबशर को। मैं समझ गई थी आप सॉन्ग सुन रही हैं। और बताइए कैसी हैं आप महरीन? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बहुत करम एहसान है। हाँ जी, मैंने तो मैसेज किया आपने पढ़ा? अभी मैं पढ़ती हूँ, बहुत सारे कॉमेंट्स हैं जो मैंने नहीं पढ़े। इतना दुख हो रहा तुम्हें, तुम्हारे पास पैसे खर्च हुए। मैं सोची मेरा नाम आप ले लेंगी ना तो फिर अच्छा शुक्र, मतलब दिल को थोड़ा सुकून मिलेगा, हलाल हो जाएंगे वो फ्री एमबीज हैं। और बताइए क्या कहेंगी? और कुछ नहीं, बस से बात करनी थी। अच्छा चलें, जबरदस्त हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अपना ख्याल रखिएगा। जरूर, आप भी अपना बहुत ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग लड़की, खुश रहो। जल्दी से रेडियो पर आ जाएं आप। हाँ जल्दी आ रहे हैं बस, अब मैं सोच रही हूँ अपना रेडियो स्टेशन खोल। चलो खुश रहो खुश रहो, हाफिज हाफिज हाफिज। ओके जी, हाँ जी, बड़े स्वीट स्वीट कॉलर है मैरीन में, हमारी बड़ी स्वीट बड़ी प्यारी सी कॉलर है। हमारी पुलिसिया मैडम नहीं आ रही हूँ आज, रेडियो में शो नहीं जाना, बहुत सारे लोग मेरे शो से महरूम है। ओके जी, कुछ कमेंट्स कुछ करते हैं। हाँ जी, कहाँ तक थे जी? हाँ जी हाँ जी, फराज कह रहे हैं रूसा रेडियो पर ना बहुत जल्दी आ रहा है सास बहू का प्रोग्राम, सुनना मत भूलना। टाइम अभी फिक्स नहीं किया अंबर, हाँ जिसमें तुम सास का रोल तुम निभाओगे ना फराज, और बहू का रोल निभाएगी आबिद अमीर। भुक्कड़ बहू। क्या था? बिरयानी की शौकीन बहू और खड़ू सास। अंबर कह रही है मैं ना बस तेरी चाहत में चाहूं सदा। हाय अंबर, क्या गाना लाई हो अंबर, हाय क्या गाना लाई हो, ना करो लड़की ऐसी बातें। अंबर अगर इस पे कॉपीराइट आया ना मैं बता रही तुम्हें। से नजर छा गई कैसी उदासी एकदम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों। सो हाँ जी, मेरे ख्याल से यहाँ से प्ले कर देते हैं, होपफुली कि यहाँ से ना आए कॉपीराइट, और अगर कॉपीराइट आया, और अगर आया कॉपीराइट तो फिर जो है ना उसके बाद फिर क्या क्या करेंगे। वैसे भी हम घर ही जा रहे हैं, ज्यादा तो ले लेंगे आपसे। दोबारा नहीं आएंगे हम। हाँ सीधी सी बात है। चलें जी एक ग्लास कॉलर को शामिल करते हैं। एंड अस्सलाम वालेकुम। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अरे इतनी देर में क्यों आई भाई मिसेस फारूक, कैसे मिजाज है?
मेरे मिजाज बहुत ख्याल है कि कॉलेज को सुनी तो मजा आ रहा है। तो बच्चे ने तो आज माशाल्लाह बहुत क्यूट बच्चा है ना, माशाल्लाह बिल्कुल ऐसे ही। आप बताइए कैसी हैं? उससे मुझे भी एक सॉन्ग सुनने को मिल गया, थैंक यू सो मच। अरे अरे आप पहले बता दें हमें, हम पहले भी लगा देते। मुझे सॉन्ग बहुत पसंद है, मुझे पहाड़ों की कसम। अच्छा चले सही है, हम ये बाद में पूछेंगे कि पहाड़ वाला किस्सा क्या है, वो तो हम बाद में पूछेंगे क्योंकि अभी ना हमारे पास टाइम कम है, वो हम बाद में बातें करेंगे। लेकिन अभी हम ये वाली बातें करते हैं। नहीं नहीं अभी हम बातें कर रहे हैं, अरे अभी तो बात करेंगे ना, वो किस्से लंबे वाले बाद में बातें करेंगे, ये बोल रही हूँ मैं। असल में मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मैं फरहान से बात करूँ या फरहान से। क्यों आवाज है ना कभी बहुत मोटी आ रही है। असल में माइक को पता नहीं क्या हो गया, आजकल हम करवाते हैं इसको, इसका दिमाग सही करवाते हैं, कट रही आवाज, आवाज कट भी रही है। अच्छा चले, मैंने इसीलिए कॉल की, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, आपकी आवाज कहीं बिल्कुल ही माशाल्लाह से बहुत तेज और जबरदस्त आ रही है, कभी एकदम डाउन, जैसे अंकल की कुछ आवाज मुझे समझ नहीं आई। ये माइक जो है ना, माइक की वजह से हो रहा है और कोई बात नहीं है। अंकल भी जब ना आए ना तो मजा नहीं आता शो में। ऐसा ही है। और आप सुनिए मेरी गुड़िया कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बेहतरीन, मैं अपनी बिल्ली को कहती हूँ मेरी गुड़िया। हाँ वो इतनी क्यूट सी है ना, वो बहुत छोटी सी है, क्यूट सी है, तो मैं उसको कहती हूँ अरे मेरी गुड़िया मेरी गुड़िया। अच्छा बिल्ली से लगाओ है? हाँ जी बहुत ज्यादा है। मैं बस दूर दूर तक है मुझे। अच्छा मैं तो भाई मैं नहीं रहती, मैं तो जायंट से जायंट बिल्ली उठा लेती हूँ गोद में। अच्छा हाँ मुझे डर नहीं लगता, मुझे डर नहीं लगता, मैं किसी चीज से डरती नहीं। अच्छा शेर भी बहुत पसंद है मेरा, बहुत शेर। अरे हाँ आप तो शेर भी खोदने लगे घूमते होंगे, हम तो भूल गए। हम कैसे आपके निडर होने पर जो है हम सवार उठा सकते हैं, हमारी ये मजाल। शेर अच्छा लगता है, मुझे बहुत पसंद है, मेरा दिल चाहता है कि मैं। लेकिन पता है मजे की बात है, शेर घास नहीं खाता। नहीं गहरी गहरी बातें कभी कभी कर लेनी चाहिए। नहीं वही बात है कि नावा है तो फिर सब कुछ है हमारे पास। सही बात है, सही बात है बिल्कुल। आपने तो बात ही खत्म कर दी, बोले चलो भाई चैप्टर क्लोज, सारी जिंदगी सारा काम ही नावे का है, बाकी तो बस सब सही बात है। सही बात है बिल्कुल। मैं आपके ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, शायद आपके पास वक्त नहीं है। हाँ जी बस हम इजाजत लेंगे एक दो मिनट है, फिर उसके बाद हुमैरा ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा अच्छा तो हुमैरा का हाँ शो है ना। वालेकुम और आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जरूर जरूर जरूर, कल इंशाल्लाह लंबी बात करेंगे। जी जी बिल्कुल। हाँ वो पहाड़ वाले किससे याद से सुनाइएगा फिर। पहाड़ सही है भाई, कोई पहाड़ों की कहानी नहीं है, हर बार बताने वाली नहीं होती ना। तो अच्छा अच्छा सही है। अच्छा ओके ओके, नहीं और भी कोई सुन रहा हो तो चले ठीक है, चले सही, अपना ख्याल रखिएगा। हाँ हाँ पर्दे पे रहने तो पर्दा ना उठाओ, सही है। नहीं सही है सही है, पर्दा छूट गया तो बहुत पतले हो जाएंगे। अच्छा चले सही है भाई, किताब खुल जाएगी। चले अपना ख्याल रखिएगा, जरूर जरूर, अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे। वालेकुम अस्सलाम, बहुत ख्याल रखिएगा। ओके ओके लव यू ऑल, हाफिज़ हाफिज़। ओके जी नंबर पूरा गाना निकाल दिया मैंने, ये तो स्लो है यार, ये तो मैंने भी कौन सा प्ले कर दिया। आप छोड़ें अंबर, हम ना इसको कल प्ले करेंगे, सही है, जब फिर अगर कॉपीराइट आ गया तो फिर देख लेंगे, लेकिन फिलहाल जो है हम इसको कल प्ले करेंगे क्योंकि टाइम हो गया इजाजत लेने का। सो इंशाल्लाह मिलेंगे अब हम कल सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे के दरमियान। जब तक अपना अपने प्यारों को रखेगा बहुत 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 ज्यादा ख्याल, और अपने चाहने वालों को भी रखेगा बहुत ज्यादा ख्याल, और जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं उनके लिए दुआएं मगफिरत जरूर कीजिएगा, मुझे भी रखेगा अपनी दुआओं में याद। Rehana is finally signing off. Fiamanila.